उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के ग्राम पिपरा मिश्र थाना खुखंदू के निवासी अनिल चतुर्वेदी पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र चतुर्वेदी, जिनकी उम्र 45 वर्ष से दिल्ली में काम करते थे, 2 दिन पहले अनिल चतुर्वेदी की बहन कल्पना चतुर्वेदी और उनकी माँ उषा देवी घर पर अकेली थी और दूसरे पक्ष के प्रद्युमन चौबे पुत्र रमेश चौबे और उसकी बहन शिल्पा चौबे ने जमीनी विवाद को लेकर कल्पना चतुर्वेदी और उसकी माँ उषा देवी को कुल्हाड़ी डंडा से मारपीट कर घायल कर दिया। इसकी सूचना थाना खुखंदू को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कल्पना चतुर्वेदी ने अपने भाई अनिल चतुर्वेदी को मारपीट की सूचना दी। कल उसका भाई आया और खुखंदू थाना पहुंचकर एफआईआर करके अपने घर वापस लौट आया। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने कुल्हाड़ी डंडों से हमला कर दिया, जिससे अनिल चतुर्वेदी गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। ये मेरे पतिदार लोग एक दिन पहले क्या किए, मेरे दरवाजे पे आके गाली गलौज शुरू कर दिए। मेरे माँ बाप को भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे और जब मैं बोली कि अपने दरवाजे पे जाके वो करो, गाली दो, तो फिर मारपीट पे उतारू हो गए। और पहले उन लोगों ने हाथ से मारना शुरू किया, फिर कड़े से मारना शुरू किया और उसकी बहन आके मेरा चैन छीन ली, मंगलसूत्र तोड़ दी और पकड़ के अपने भाई को बोलने लगी मारने के लिए। शिल्पी, शिल्पी नाम है उसका और प्रद्युमन चौबे उसका नाम है। फिर जब हम लोग बोले, हम लोग अंदर आके घुस गए तो फिर दरवाजे पे आके बार बार गाली दे रहे थे। आखिर किस बात को लेके ये विवाद हुआ है? वो सब मेरी एक जमीन है, उसी में जाके वो गाय बांध रहे थे जबरदस्ती। उसी को जब हम लोगों ने बोला तो वो सब शुरू हो गए गाली गलौज। वो एक बार ऐसे मतलब फिर कर चुके हैं, एक बार कर चुके हैं, जब हम लोग नहीं रहते थे तो बांध चुके हैं, फिर हम लोग आए तो हटाए। कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे भैया एक्सपायर कर गए हैं, उसको कुल्हाड़ी से उनको मार दिया है, तो सर में, पीठ में, और मुझे चोट लगी है, इनको चोट लगी है सर में चोट। ये मेरी माँ, मेरे को कुल्हाड़ी। मारने वाले में रमेश चौबे थे और प्रद्युमन चौबे और शिल्पी चौबे और 2 लड़के और थे प्रद्युमन के साथ ही थे। मुख्य उसमें मतलब विवाद किससे था? मुख्य मुख्य प्रद्युम्न चौबे, रमेश चौबे और शिल्पी। और ये जो आपके माता जी के आपके बेटे थे जिनकी अब से हो गई, हमारे बेटे थे अनिल चतुर्वेदी। अनिल चतुर्वेदी वो कल ही आया, कल शाम को जब आया, यही गाड़ी से आया। थाने पे इसकी सूचना दिए थे? थाने पे सूचना दिए, थाने पे थे, पुलिस आई और मैं सब वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई थी। देखिए ये कुल्हाड़ी लेके मतलब घूम रहा है मेरे घर के आसपास और गाली गलौज कर रहा है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोले, नाम लिखे और बोले कल आके कंप्लेंट करिएगा 9 बजे थाने पे। और मैंने बोला कि मेरे घर कोई नहीं है, भैया ने कॉल किया, बोला कि मैं चल रहा हूँ, तो भैया कल शाम को आए और शाम को आए तो कंप्लेंट जाके किए। कुल्हाड़ी लेके प्रद्युम्न चौबे घूम रहा था, मतलब इनकी हत्या करने की साजिश रच रहे थे। हाँ, लोगों किसी ना किसी बहाने से। हाँ, एक ही भाई थे। अच्छा, ये इकलौते थे? हाँ, इकलौते थे। कल ही वो दिल्ली से आए, परसों का ये सब किए तो कल ही वो दिल्ली से आए। अच्छा, आपके भैया जो कल ही कंप्लेन किए, फिर परसों हम लोग को मार दिए थे ये सब।